बाबा नंद सिंह जी के पास एक छोटा बच्चा आ गया। ये सच्ची घटना है, अभी अभी की। छोटा बच्चा आ गया, बड़ा शानदार तबला बजा रहा है कीर्तनियों के साथ, बड़ा ही शानदार तबला। बाबा नंद सिंह जी उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगे कि इतना बढ़िया तबला इतना छोटा बच्चा बजाता है। अपने पास बुला लिया, ये घटना मुझे अचानक याद आ गई, यहाँ पर बड़ी प्यारी है। अपने पास बुला के कहने लगे, तेरा नाम क्या है? कहने लगे, केयर सिंह। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, छोड़ दुनिया में क्या रखा है, उसे ज्ञान देने लगे, आ जा यहाँ पर। यहाँ पर गुरु नानक को रोज कीर्तन सुनाया कर तबला बजाकर। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। अपने माता पिता से आज्ञा लें और आ जाए यहाँ पर, सारा जीवन गुरु की सेवा में बिता दे। वो घबरा गया, कहाँ में फंस गया। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, भाई तू यहाँ पे आ जा परमानेंट। दास शॉर्ट में बता रहे, बड़ी लंबी घटना है। वो बहाने बनाकर वहां से चला गया, नहीं रुका। कुछ दिनों बाद कहीं तबला बजा रहा था, कोई महापुरुष सामने बैठे थे। वो कहने लगे, भाई उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। ये केयर सिंह पूछता, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? कहने लगे, मैं देखकर हैरान हूं, तेरा जीवन कुछ महीने ही बाकी है, लिखे हुए साफ, तेरी आयु है ही नहीं। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। तेरी जो रेखा है आयु की, इतनी छोटी है कि कुछ महीनों का तू है बस, और जीवित रहेगा। आज तक मेरी विद्या झूठी नहीं पड़ी और तू नहीं बचेगा। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए, इतना प्यारा बालक जिसे इतनी बड़ी दात मिली हुई है तबला बजाने की, इतना अच्छा तबला बजा रहा है तू, इतना तेरे में गुण है, पर तेरा जीवन बड़ा छोटा है। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। अब वो घबरा गया, केयर सिंह छोटा बालक, कहां गया? दौड़कर बाबा नंद सिंह जी के पास। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जानता था पूर्ण महापुरुष है। बाबा नंद सिंह जी के पास आकर रोने लगा, डर डर के जोर जोर से रो रहा है कि बादशाह मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, इसीलिए तो हमने तुझे कहा था यहाँ पे आ जा, हमने देख लिया था, उन्होंने तुझे बता दिया, हमने तुझे बताया नहीं। हमने देख लिया था कि मौत तेरे सर पर खड़ी है और यहाँ पर मौत आ नहीं सकती। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने उसे वचन किए, केयर सिंह को, कहने लगे, अगर हमारा वचन मान के तू यहाँ पर कीर्तन की सेवा करेगा, तेरे पूछे बिना मौत तेरे पास नहीं आएगी, तेरी आज्ञा लेकर मौत तेरे पास आएगी। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। सात संगत जी, सच्ची घटना है। भाई साहब एक्चुअली संत केयर सिंह जी हैं, वो अपने को भाई कहलाते रहे, कभी संत नहीं कहलवाया। सारा जीवन बुजुर्ग होते तक नानक सर में उन्होंने अनगिनत लोगों को कीर्तन की दात बख्शी, कीर्तन सिखाया, और खुद सारा जीवन अमृत वेले का कीर्तन की ड्यूटी निभाई वहां पर। अमृत वेले एक नागा नहीं सारा जीवन में सात संगत जी, एक नागा नहीं। बुजुर्ग हो गए, लोग पकड़ कर लाते थे उन्हें, वृद्ध हो गए, पर अपनी सेवा नहीं छोड़ी कीर्तन की। और आखिर में वो सबसे एक ही बात कहते थे कि मेरे लिए अरदास करो, जब मैं जाऊं मेरा हाथ बाजे पे हो। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। और यही हुआ, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन थे, मौत तुझे पूछे बिना तेरे पास नहीं आएगी, अमृत वेले का समय। उन्होंने सुरों पे हाथ रखा और सर बाजे पे रख दिया। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने लेख बदल दिए कीर्तन की सदके। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक। जब उन्होंने सुरों पे हाथ रखा, मैं कई बार विचार करता हूं, संत केयर सिंह जी ने जब सुरों पे हाथ रखा अमृत वेले, सर रख दिया बाजे पे, बाकी हाजिरी कहां लगी? गुरु नानक के चरणों में। प्यार से बोलिया, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।